कॉलेज और विश्वविद्यालयों के अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्रों को जनरल प्रमोशन नहीं देने के निर्णय को गलत बताते हुए छात्रों और एनएसयूआई ने मोर्चा खोल दिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के राज्यपाल लालजी टंडन के साथ सोमवार को भी बैठक में 29 जून से 31 जुलाई तक फाइनल ईयर की परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया है, जिसका विरोध करते हुए जबलपुर के एनएसयूआई जिला महासचिव अंशुल सिंह ने कहा कि प्रदेश के मुखिया और राज्यपाल के मन में एक बार भी ऐसा ख्याल नहीं आया कि छात्रों को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगर एक बार भी ऐसा सोचा होता तो उनकी रूह कांप जाती। राज्यपाल महोदय ने यह आदेश दिया है कि सभी विश्वविद्यालय में परीक्षाएं आयोजित की जाएं एवं जनरल प्रमोशन किसी विश्वविद्यालय में न दिए जाएं। तो मेरा आज एक नहीं बहुत सारे सवाल हैं। मेरे आज कुछ सवाल हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि ये बताने का कष्ट करें कि जो भी छात्र अन्यत्र जिलों में दूसरे जिलों में रहते हों वो परीक्षा देने कैसे आ पाएंगे। क्या आप उन्हें कोई सुविधाएं बस ट्रेन या कोई अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे। या दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि उनकी जान की जिम्मेदारी क्या प्रदेश सरकार लेगी, क्या उनका बीमा कराया जाएगा, क्योंकि WHO की रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर अक्टूबर तक भारत देश में कुछ भी सामान्य होने की स्थिति में देश नहीं है। परंतु मध्य प्रदेश के शासन के द्वारा अगर ऐसा निर्णय लिया जाता है तो ये एक छात्र विरोधी निर्णय होगा और सभी छात्र एवं सभी संगठन मिलकर इसका विरोध करेंगे। वही छात्र भी इसका विरोध दर्ज करा रहे हैं। छात्र सुरक्षा की दृष्टि से और अलग अलग परेशानियां बताकर जनरल प्रमोशन की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार कोरोना वायरस के बीच परीक्षा कराने पर अड़ी हुई है, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर यह सही नहीं है। बाहर फंसे हुए छात्र भी परीक्षा देने दूसरे शहर नहीं जा सकते हैं। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम लोग अभी भोपाल नहीं जा सकते हैं किसी भी हालत में, क्योंकि अभी वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। वहाँ पे ऑलरेडी इतने पेशेंट्स हैं और रोज बढ़ते जा रहे हैं। वहाँ एग्जाम्स होंगे। हम यहाँ से एक्चुअली मैं लखनऊ लॉन में रहती हूँ, सिवनी डिस्ट्रिक्ट। यहाँ से भोपाल जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मेरे मम्मा पापा भी अलाउ नहीं कर रहे हैं और वहाँ जाके भी क्वारंटाइन कर रहे हैं जब कोई ट्रेवल कर रहा है तो। और फिर जब वहाँ पे सब एग्जाम देंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं होगा, तो ये बहुत रिस्क वाला काम है, तो हम एग्जाम्स नहीं दे सकते हैं। जिस तेज़ी से कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं MP में, जुलाई तक उन केसेस के कम होने का दर जो है वो मुझे थोड़ा सा मुश्किल होता नज़र आ रहा है। और इसके साथ ही साथ WHO ने भी ये वाली चीज़ कही है कि हम इंसानों को कोरोना वायरस के साथ में जीना सीखना पड़ेगा जब तक हम लोगों के पास एक वैक्सीन इसका तैयार होके नहीं आता है, और अभी तो हम लोग वैक्सीन के नज़दीक हैं नहीं। तो ऐसे मामले में स्टूडेंट्स की लाइफ के साथ खिलवाड़ करने जैसी बात होगी अगर अभी एग्ज़ाम्स करवाए जाएंगे जुलाई के महीने में, चाहे वो फाइनल ईयर के बच्चे हों चाहे वो बाकी स्टूडेंट्स के बारे में बात की हो। तो ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा गलत निर्णय होगा अगर जुलाई में एग्ज़ाम्स होते हैं तो। सरकार का फैसला कि जुलाई के महीने में एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, आई डोंट थिंक ये एक सही फैसला है, बिकॉज रिसर्च के मुताबिक जुलाई में ही कोविड के केसेस एक पीक पर होंगे और उस समय एग्ज़ाम कंडक्ट कराना काफ़ी खतरा रहेगा स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए खतरा होगा ज़्यादातर जो कि आउट ऑफ स्टेट से आएंगे, जो ट्रैवल करके आएंगे। ट्रेन से ट्रैवल करके आके एग्ज़ाम देना ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है, तो आई डोंट थिंक सो ये जुलाई के महीने में एग्ज़ाम कंडक्ट कराना एक सही फैसला है, बिकॉज इतने महीने हमने प्रिकॉशन लिया कोविड से बचने के लिए और फिर हम लास्टली उसी खतरे में जाएं, इट्स नॉट अ सोल्यूशन। अगर कराना ही था एग्ज़ाम तो एटलीस्ट पहले करा लेना चाहिए था। जैसे कि आप देखते जा रहे हैं कि दिन ब दिन कोरोना केसेस भोपाल एरिया में भी बढ़ते जा रहे हैं, सो प्लीज़ इस सिचुएशन में एग्ज़ाम लेना बेटर आइडिया नहीं है, सो प्लीज़ आप एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दीजिए या प्रमोट कर दीजिए। ये बहुत ही डेंजरस है और कुछ लोग बाहर से भी आते हैं तो उनके लिए भी, हर किसी के पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे, तो प्लीज़ स्टूडेंट का ख्याल रखते हुए आप प्रमोट करें। भोपाल से EMS TV के लिए आकाश सोनी की रिपोर्ट।